नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं जानता हूं कि आप पैसे के लिए बहुत ही तड़प रहे हो आपके जीवन काल में पैसों की जरूरत बढ़ गई है आपके जीवन काल में मुसीबतें बड़ी आई है और पैसा कम पड़ गए हैं जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों आपको बता दें कि पैसा संभाल नहीं पाओगे यूँ कहे कि दोस्तों पैसों में आप डूब जाएंगे, दोस्तों इतना पैसा आएगा कि पूरा जीवन इधर से उधर हो जाएगा खाई से लेकर ऊंचाई का सफर आपका बन जाएगा जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों यह समय आप सोचेंगे कि पैसों की दिक्कत आखिर किसको नहीं है जी हाँ दोस्तों पैसों की दिक्कत सबको है लेकिन दोस्तों सब में और आप में बहुत ही ज्यादा फर्क है और यह फर्क को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपके जीवन काल की सबसे बड़ी व मूल मंत्र आपको देने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है जी दोस्तों दोस्तों क्योंकि आपके जीवन काल में ऐसा हुआ है ऐसा बात नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आया था दोस्तों आपके पास पैसा तो बहुत आते हैं लेकिन दोस्तों पैसा इधर से आते हैं और उधर चले भी जाते हैं यानी कि दोस्तों एक समस्या आपके जीवन से शांत होता है तो दोस्तों दूसरा समस्या आपके सामने खड़े भी हो जाते हैं जिनके कारण आपको पैसा जो आमदनी है दोस्तों वह कम हो जाते हैं जी दोस्तों, तो दोस्तों हाँ यही निवेदन है कि दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा तभी दोस्तों आपको इस बात का पता चलेगा कि यह वीडियो आपके जीवन काल के लिए कितना महत्वपूर्ण है जी हाँ दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे तो दोस्तों अंत तक देखिएगा उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिख दें भगवान शनिदेव के आसीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं श्री कृष्ण जी के अच्छे ज्ञान से एक अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी कि दोस्तों एक निर्धन व्यक्ति था वह सरसों के तेल का दीपक जलाकर नित्य गली में रख देता था जो कि गली अंधेरी थी इसलिए वहां से गुजरने वाले राहगीरों को बहुत ही लाभ मिलता था निकट रहने वाला एक धनवान व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के मंदिर में एक ही घी का दीपक जलाया करता था मृत्यु होने पर जब दोनों यमलोक पहुंचे तो दोस्तों धनपति को निम्न श्रेणी और निर्धन को उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान की गई। धनपति को यमराज का यह न्याय ठीक नहीं लगा और उन्होंने यमराज से इस संदर्भ में प्रश्न किया तो यमराज बोले पुण्य की महत्ता धन से नहीं कार के उपयोगिता अच्छे भावना के आधार पर होती है मंदिर तो पहले से ही प्रकाशित था उस व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जिसमें हजारों जरूरतमंदों तक प्रकाश पहुंचा और इसी वजह से वह पुण्य का भागी बना जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं श्री कृष्ण जी के अच्छे ज्ञान से सहमत हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण राधे राधे तो दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले समय में आपने सब चीजों को देखे हैं दोस्तों पिछले समय में आपने सुख भी देखा है जहाँ पर आपको अच्छी आनंद की अनुभूति भी है और दिल और दिमाग पर यह उम्मीदें लगाए बैठे है कि आगे आने वाला आपका जो कल होगा वह बहुत ही बेहतरीन होगा और पैसे आपके पास जरूर आएंगे जिन पैसों के लिए आप इस वक्त तड़प रहे हैं ये समय आपको पैसा आपके पास भी जरूर आएगा जी हाँ दोस्तों ऐसे चीजें आपके मन में चलती रहती है और दोस्तों आप इनके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करते हैं दिन रात एक करके आप अपने कामों में लगे रहते हैं जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि चाहे आप कितने भी दुख दर्द में क्यों ना हो कितने भी आपके जीवन काल में संकट समस्या क्यों ना हो दोस्तों आप हर समस्या का समाधान अपने मुस्कुराहट से ही करते हैं हमेशा अपने चेहरे पर आप मुस्कुराहट बनाकर रखते हैं जी हाँ दोस्तों और ये आपके लिए सबसे बड़ी खूबी होती है जो कि आपके भाग्य को चमकाता है और जो आपके दुश्मन हैं उन्हें भी आप जलाते हैं क्योंकि दोस्तों आप जो होते हैं अपने दुखों के सामने व्यक्त ही नहीं करते जिनसे सामने वालों को किसी प्रकार की खुशी हो जी हाँ दोस्तों दोस्तों अपने सभी दुखों को अपने अंदर ही दबाकर रखते हैं और जो चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं इनकी वजह से दुनिया आपकी रुतवे को जो है कायल हो जाती है और आपसे करीबी लोग ज्यादा जलते हैं जो आपके करीब लोग होते हैं वह तो जाने अनजाने में एक बार दिख जाए तो दोस्तों वो आपके चाल चलन को देखते ही उनको चिड़ आने लगता है जीवन काल में कुछ करने की कुछ बनने की आपके अंदर अनेक तमन्नाएं होती है आपके मन में कुछ ऐसे भी ख्वाहिशें होती है कुछ ऐसे भी जज्बा होता है कि आप अपने जीवन में आपका जो भी मनपसंद कार्य है मनपसंद गाड़ी है घर है या फिर दोस्तों बच्चों की परवरिश है दोस्तों आप इन्हें प्राप्त कर सके इन्हें हर चीज सुख दे सके अपने मन पसंद चीजों को आप खरीद सके जी हाँ दोस्तों और आप उन सभी के लिए एक अलग ही लेवल पर जाना चाहते हैं, अपने समाज में हर क्षेत्र में आप सबसे कुछ अलग करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिशें दूसरों से अलग होती है उसे प्राप्त करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत भी करते हैं लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता कि कि कभी कभार आपके जीवन काल में ऐसे घटना आ जाती है ऐसे परिस्थितियाँ खड़ा हो जाती है कि दोस्तों कि दोस्तों समय की मार और जो भी आपके जीवन काल में कार्य है जो भी आपके जीवन काल में आपका जो कर्तव्य है उन पर मद्देनजर रखते हुए दोस्तों अब अपने अरमानों का गला दबा देते है। हैं यु तो दोस्तों अपने ख्वाहिशों को आप छोड़ देते हैं और दोस्तों सामने वाले की ख्वाहिशों पर आप ध्यान देने लगते हैं जो भी आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को लेकर आप पीछे हट जाते हैं लेकिन दोस्तों अब आपका धैर्य का बांध भर चुका है अब आपको घर परिवार में खुशियाँ आने वाली है अब शनिदेव आपके कर्मों का फल देने वाले है दोस्तों आपको बता दें कि अब यह दो दिनों के समय अवधि में आपकी किस्मत की चाल बदल रही है अब आपके जीवन में पारिवारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में खुशियां ही खुशियां होंगे जी हाँ दोस्तों नई उम्मीद के साथ दिन शुरू होगा विपरीत परिस्थितियों का सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार से समाधान मिल जाएगा साथ ही साथ दोस्तों आप में भरपूर आत्मविश्वास रहेगा कोई पारिवारिक गेट टुगेदर संबंधित प्रोग्राम भी बन सकता है आज किसी नजदीकी संबंधी की मदद करने तथा तो उनकी समस्याओं का समाधान करने में अधिकतर समय व्यतीत हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा किसी धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण भी मिलेगा दोस्तों कोई मनोकूल कार बन जाने से अब अपने आप को बहुत अधिक भाग्यशाली महसूस करेंगे युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से राहत मिलेगी तो आपकी मेहनत आत्मविश्वास से कोई खास कार्य संपन्न हो जाएंगे अगर कहीं पैसा उधार दिया है तो दोस्तों फंसा हुआ है तो उसकी वसूली करने का उचित समय है खास लोगों से मुलाकात होगी तथा जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को अपने कार्य रूप से करते जाए आपको सफलता मिलेंगे आपकी गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम दायक समय है हर परिस्थिति में सामना करने की हिम्मत और साहस रहेंगे घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही भाग्यदायक रहेगी इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ सावधानियां भी देख चलनी होगी दूसरों के मामले में दखल अंदाजी न करें इसका नकारात्मक प्रभाव आपके मान सम्मान पर पड़ेगा साथ ही साथ दोस्तों अनजान लोगों के संपर्क में आने से परहेज करें व्यवसायिक गतिविधियों में परिवारिक सदस्यों का भी उचित योगदान रहेगा नए काम की शुरुआत के लिए समय बहुत ही अनुकूल है साथ दोस्तों बिजनेस में बहुत मेहनत करने और सावधान रहने की जरूरत है जोखिम भरा निवेश न करें वहीं दोस्तों आप बात आपके लव लाइफ के बारे में दोस्तों पति पत्नी के आपसी सामंजस्य दौरा पारिवारिक वातावरण मधुर और सुखद बना रहेगा प्रेम प्रसंग में प्रगढ़ता आएगी साथ ही साथ पारिवारिक वातावरण भी सुखद रहेगा वही दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो अत्यधिक कारोबार की वजह से जोड़ों तथा पैरों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है ज्यादा तनाव और चिंता करने से परहेज करें मौसम के बदलाव की वजह से सिर दर्द में भारीपन और बुखार जैसी समस्या रहेगी दिनचर्या को समित रखना बहुत ही जरूरी है मैं दोस्तों बात करता हूँ आपके उपाय के बारे में दोस्तों आज के उपाय जो हम आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपके शरीर में कोई भी परेशानी हो कोई भी कष्ट हो तो दोस्तों चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे दोस्तों शनिवार के दिन पीपल के बिना कटे फटे ग्यारह पत्ते लेकर उनकी माला बनाए अब इस माले को पास के किसी शनिदेव मंदिर में जाकर शनिदेव को अर्पित करें माला अर्पित करते समय ओम श्री हिम सम शनिचराय नम मंत्र का जाप करते रहे उसके बाद दोस्तों यह चमत्कार आप अपनी आँखों से देखोगे आप बात करो तो आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग ब्लू है और भाग्यशाली अंक दो है दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद